बिहार की बात बंगाल होते हुए तमिलनाडु पहुंच गई और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। क्या बंगाल के कम्युनिस्ट और क्या तमिलनाडु के स्टालिन सब ने कांग्रेस को लेकर अपना नजरिया बदल दिया है? ऐसा होना भी था, क्योंकि जब तमिलनाडु से आने वाले पी चिदम्बरम कह रहे हैं बिहार में कांग्रेस ने अपनी हैसियत से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, तो स्टालिन के लिए कांग्रेस की सियासी हैसियत का अंदाजा लगाना जरूरी हो गया। एक तरफा कांग्रेस अपनों के बीच घिरी तो दूसरी तरफ सहयोगी दल कांग्रेस को कम से कम देने के मूड में है। यूपीए गठबंधन के सहयोगी दल अब कांग्रेस की राजनीतिक क्षमता का नए सिरे से आकलन करने में लगे हैं। यूपीए में कांग्रेस के सबसे पुराने साथी द्रमुक ने बिहार में कमजोर स्ट्राइक रेट को देखते हुए कांग्रेस को तमिलनाडु के अगले चुनाव में ज्यादा सीटें देने की उम्मीद नहीं पालने का संकेत दे दिया है। डीएम के सूत्र बताते हैं स्टालिन ने अनौपचारिक राजनीतिक चर्चाओं के दौरान इस बात के संकेत दिए कि तमिलनाडु के चुनाव में वे कांग्रेस को 20 से 25 सीटों से अधिक देने के मूड में नहीं है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं और द्रमुक सत्ता में वापस आने तक प्रबल दावेदार मानी जा रही है, इसलिए स्टालिन बिहार में राजद जैसा जोखिम शायद ही ले, खास तौर पर ये देखते हुए कि दो पुराने धुर राजनीतिक विरोधी करुणानिधि और जयललिता के देहांत के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें सूबे की सियासी स्थिरता की दिशा तय होनी है। स्टालिन के इन संकेतों पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी सियासी सतर्कता को बेबुनियाद नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खास राजनीतिक आधार के बिना ही बीजेपी, अन्ना द्रमुक या स्थानीय सुपरस्टार्स के जरिए तमिलनाडु की सियासत में प्रभाव रखना चाहते हैं। गठबंधन समेत चुनावी राजनीति से जुड़ी इन चुनौतियों के हिसाब से स्टालिन के लिए नया राजनीतिक नजरिया रखना बहुत जरूरी है। बिहार की हार के प्रतिकूल असर को थामना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं रह गया, क्योंकि अंदरूनी असंतोष को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी की दुर्गति पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के मुद्दों पर चर्चा की बजाय गांधी वाड्रा परिवार के समर्थक नेता उल्टा असंतुष्ट नेताओं को निशाने पर लेने लगे। अधीर रंजन चौधरी ने तो सिब्बल पर परोक्ष हमला करते हुए कह दिया कि नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं जिनसे काम नहीं हो रहा, या अपनी पार्टी बना लें। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा सिब्बल दिल्ली के नेता हैं और वे प्रदेश कांग्रेस में आए तो उन्हें काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। हाईकमान समर्थक नेताओं के ऐसे तीखे व्यंग बाणों से साफ है कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी को लेकर सिब्बल की शुरू की गई बहस पर घमासान का सिलसिला अगले कुछ दिन और तेज होगा।